1983 में सनी देओल की पहली मूवी आई थी बेताब और ये मूवी एक सुपरहिट साबित हुई थी। 1988 में सनी देओल की मूवी आई थी पाप की दुनिया और ये मूवी एक हिट साबित हुई थी। 1989 में मूवी आई थी त्रिदेव और ये मूवी सुपरहिट साबित हुई थी। 1990 में आई थी घायल और ये मूवी भी सुपरहिट साबित हुई थी। 1992 में आई थी विश्वात्मा और ये मूवी एक एवरेज साबित हुई थी। 1993 में आई थी दामिनी और ये मूवी एक हिट साबित हुई थी। और इसी साल दूसरी मूवी आई थी दर और ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 1994 में आई थी इम्तिहान और ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। 1995 में आई थी अंगरक्षक और ये मूवी भी एक फ्लॉप साबित हुई थी। 1997 में आई थी हिम्मत और ये मूवी भी फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल दूसरी मूवी आई थी दुश्मनी और ये मूवी एक फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल तीसरी मूवी आई थी जीत और ये मूवी एक हिट साबित हुई थी। इसी साल चौथी मूवी आई थी घातक और ये मूवी भी एक हिट साबित हुई थी। इसी साल पांचवी मूवी आई थी अजय और ये मूवी भी एवरेज साबित हुई थी। 1997 में आई थी जिद्दी और ये मूवी एक हिट साबित हुई थी। इसी साल दूसरी मूवी आई थी बॉर्डर और ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसी साल तीसरी मूवी आई थी कहर और ये मूवी एक फ्लॉप साबित हुई थी। 1998 में आई थी जोर और ये मूवी एक फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल दूसरी मूवी आई थी सलाखे और ये मूवी भी फ्लॉप साबित हुई थी। 1999 में आई थी प्यार कोई खेल नहीं और ये मूवी भी फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल दूसरी मूवी आई थी अर्जुन पंडित और ये मूवी भी फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल तीसरी मूवी आई थी दिल लगी और ये मूवी भी फ्लॉप साबित हुई थी। 2000 में आई थी चैंपियन और ये मूवी एक फ्लॉप साबित हुई थी। 2001 में सनी देओल की मूवी आई थी फर्ज और ये मूवी एक फ्लॉप साबित हुई थी। इस साल दूसरी मूवी आई थी गदर एक प्रेम कथा और ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसका दूसरा पार्ट भी जल्द ही आने वाला है। इसी साल तीसरी मूवी आई थी कसम और ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल चौथी मूवी सनी देओल की आई थी इंडियन और ये मूवी एक हिट साबित हुई थी। 2002 में सनी देओल की मूवी आई थी माँ तुझे सलाम और ये मूवी एक फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल दूसरी मूवी आई थी शहीद और ये मूवी भी फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल तीसरी मूवी आई थी जान दुश्मन और ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल चौथी मूवी आई थी कर्ज और ये मूवी भी फ्लॉप साबित हुई थी। 2003 में सनी देओल की मूवी आई थी द हीरो और ये मूवी भी फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल सनी देओल की दूसरी मूवी आई थी जाल और ये मूवी भी फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल तीसरी मूवी आई थी खेल और ये मूवी भी फ्लॉप साबित हुई थी। 2004 में सनी देओल की मूवी आई थी लकीर और ये भी एक फ्लॉप साबित हुई थी। 2005 में सनी देओल की मूवी आई थी जो बोले सो निहाल और ये मूवी भी फ्लॉप साबित हुई थी। 2006 में मूवी आई थी तीसरी आंख और ये मूवी भी फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल दूसरी मूवी आई थी नक्शा और ये भी एक फ्लॉप साबित हुई थी। 2007 में सनी देओल की मूवी आई थी बिग ब्रदर और ये मूवी देखने में अच्छी थी पर ये भी एक फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल दूसरी मूवी सनी देओल की आई थी फुल एंड फाइनल और ये भी एक फ्लॉप साबित हुई थी। और इसी तरह से सनी देओल ने 13 फिल्में लगातार फ्लॉप दी थी। 2007 में तीसरी मूवी सनी देओल की आई थी अपने और ये मूवी एक हिट साबित हुई थी। इसी साल चौथी मूवी सनी देओल की आई थी काफिला और ये मूवी एक फ्लॉप साबित हुई थी। 2009 में सनी देओल की मूवी आई थी फॉक्स और ये मूवी एक फ्लॉप साबित हुई थी। 2010 में सनी देओल की मूवी आई थी राइट या रॉन्ग और ये मूवी एक फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल दूसरी मूवी आई थी खुदा कसम और ये मूवी एक फ्लॉप साबित हुई थी। 2011 में सनी देओल की मूवी आई थी यमला पगला दीवाना और ये मूवी सेमी हिट रही थी। 2013 में इसका सीक्वल यमला पगला दीवाना 2 आई और ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। 2013 में दूसरी मूवी सनी देओल की आई थी सिंग्स ऑफ द ग्रेट और ये मूवी एक फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल तीसरी मूवी सनी देओल की आई थी महाभारत और ये मूवी एक फ्लॉप साबित हुई थी। 2014 में सनी देओल की मूवी आई थी दिसक्याओ जिस फिल्म में सनी देओल ने विलियन की भूमिका निभाई थी और ये मूवी एक दबाबंद रह गई थी यानी कि फ्लॉप हुई थी। 2015 में सनी देओल की मूवी आई थी आई लव एनवाई और ये मूवी भी एक फ्लॉप साबित हुई थी। 2016 में सनी देओल की मूवी आई थी घायल वंस अगेन और ये मूवी भी एक फ्लॉप साबित हुई थी। 2017 में सनी देओल की एक कॉमेडी मूवी आई थी पोस्टर बॉयज और ये भी एक फ्लॉप साबित हुई थी, हालांकि मूवी देखने में तो बहुत अच्छी थी। 2018 में सनी देओल की मूवी आई थी यमला पगला
पगला दीवाना फिर से, यानी कि यमला पगला दीवाना का तीसरा पार्ट। और ये मूवी भी एक डब्बा बंद रह गई थी, यानी कि फ्लॉप हुई थी। 2018 में सनी देओल की दूसरी मूवी आई थी मोहल्ला सी, और ये मूवी कब आई और कब गई किसी को पता भी नहीं चला, और ये मूवी एक फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल सनी देओल की दूसरी कॉमेडी मूवी आई थी जिसमें सनी देओल का डबल रोल था, वो है भैया जी सुपरहिट, और ये मूवी भी एक फ्लॉप साबित हुई थी। 2019 में सनी देओल की मूवी आई थी ब्लैंक, और ये मूवी एक फ्लॉप साबित हुई थी। और 2022 में सनी देओल की मूवी आई थी चुप, और ये मूवी एक फ्लॉप साबित हुई है।